वेलकम बैक टू माय चैनल देव बॉय टी। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। इस वीडियो में हम लोग करने वाला है नॉइस कलर फिट आइकन 2 स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। ये वॉच कैसी है, इस वॉच में क्या क्या फीचर्स है और इसमें बैटरी बैकअप कैसे देते हैं, ये जानने के लिए ये वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो इसमें एक लाइक कर देना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नॉइस कलर फिट आइकन 2 का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। ये है नॉइस कलर फिट आइकन 2 का बॉक्स। सामने नॉइस का लोगो है एंड नीचे कलर फिट आइकन 2 लिखा हुआ है और इसके पीछे में है, आप लोग देख ही सकते हो, 1.8 टच स्क्रीन, कॉल फंक्शन, म्यूजिक कंट्रोल, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, 24x7 हार्ट रेट मॉनिटर, मल्टी स्पोर्ट्स मोड, AI वॉइस असिस्टेंट, कैमरा कंट्रोल और इनबिल्ट गेम्स, ये सब लिखा हुआ है। तो ये है पूरा बॉक्स। तो चलिए करते हैं इसका फटाफट ओपनिंग। इसका इस तरफ से स्लाइड करने से ये वॉच ओपन हो जाएगा, आप लोग देख ही सकते हो। सामने एक नॉइस का कार्ड मिल रहा है, उसके बाद ये है वॉच। इसको हम निकल लेते हैं। ये वॉच है, ये निकल आया, इसको साइड में रखते हैं। ये है बॉक्स, इसके अंदर चार्जिंग केबल और एक तो कार्ड मिलता है और ये जो चार्जिंग केबल है ये भी ठीक ठाक ही है, आप लोग देख ही सकते हो। तो ये है घड़ी नॉइस आइकन 2 स्मार्ट वॉच। इसको ओपनिंग कर लेते हैं। आप लोग देख ही सकते हो ऊपर में 2.5D कार्ड ग्लास है, पूरा मेटल का फ्रेम है और इसमें एक मेटल का क्राउन भी है जिसमें नॉइस का लोगो है और स्ट्रैप 22mm का स्ट्रैप है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है और स्ट्रैप का बाकल भी मेटल का है और इसमें नॉइस का लोगो देके रखा है। पीछे में सेंसर है और जो लेवलिंग है वो ठीक से पढ़ाई नहीं दे रहा है। नॉइस का एक लोगो है, ये चार्जिंग पॉइंट है, इस तरफ से माइक्रोफोन, ये जो है आपका स्पीकर का ओपनिंग है, बहुत ही बड़ा ओपनिंग देके रखा है और ये है स्पीकर का ओपनिंग। तो मेटल का बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। अब इसको हम लोग करते हैं ऑन। ऑन करने से ऐसे कुछ इंटरफेस आएगा, देख ही सकते हो। इसका जो कलर है ये बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल एमोलेड की तरफ दिख रहा है। इसके देख के पता नहीं चलता ये नॉर्मल सा 1.8 इंच का TFT स्क्रीन है, आप लोग देख ही सकते हो, बहुत ही जबरदस्त स्क्रीन 1.8 इंच का और ये थोड़ी बहुत एमोलेड की तरह ही दिखता है, ये फर्क आपको मालूम नहीं होगा। इसको लॉन्ग प्रेस करने से आपका जो स्क्रीन चेंजर है वो आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 छः स्क्रीन इसमें आता है, आपका जो भी मन पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन का विजिबिलिटी बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख ही सकते हो। स्क्रीन को इस तरह स्वैप करने से आपका ये मेनू आएगा जिसमें पहले नॉइस फिट हेल्थ आता है,
नॉइस हेल्थ आता है, उसके अंदर आता है एक्टिविटी, हार्ट रेट, स्लीप एंड ब्लड ऑक्सीजन। स्ट्रेस मॉनिटर इसमें नहीं आता। उसके बाद आएगा स्पोर्ट्स मोड, इसमें एक दो बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड है और इसमें आप ऑप्शन भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद आएगा मैसेजेस, उसके बाद नॉइस बाज, उसके बाद आएगा वेदर, उसके बाद आएगा कैमरा कंट्रोल, उसके बाद आएगा गेम्स, इसमें दोनों गेम्स है फ्लॉपी बार्ड एंड हैमस्टर, ठीक है। इसके बाद फिर से सेटिंग्स आएगा, ये मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। ये सब इसका मेनू में आता है। तो इसके ऊपर से नीचे स्वाइप करने से आपका जो मैसेजेस है वो आएगा, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। और नीचे से ऊपर स्वाइप करने से आप फिर से टॉगल मेनू आएगा, जिसमें आप देख ही सकते हो पहले D&D का ऑप्शन है, उसके बाद ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन है, एक दो तीन पिक ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा है, उसको हम लोग एक एक में सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइंड फोन का ऑप्शन आता है, उसके बाद फिर से सेटिंग्स आता है। सेटिंग्स में आप लोग वॉच फेस चेंज कर सकते हो, उसके बाद जो रिंग टोन है उसके वाइब्रेशन एंड रिंग जो ऑप्शंस है वो म्यूट है, रिंग है, रिंग एंड वाइब्रेशन और वाइब्रेशन, ये सब ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद ब्राइटनेस आता है, उसके बाद अबाउट आता है, वो जो वॉच है उसको दिखाएगा। उसके बाद पावर ऑफ का ऑप्शन आता है, रिसेट का ऑप्शन, रिस्टार्ट, फाइंड फोन एंड लास्ट में ऐप आता है। उसके बाद टॉर्च का फीचर्स दे कर रखा है, बहुत ही ब्राइट है, आप लोग देख ही सकते हो। और उसके बाद जो है साइलेंट का ऑप्शन आता है फ़ोन को, ये सब मेनू इसमें आता है। इस तरह स्वैप करने से आपका पहले स्टेप काउंट्स आएगा, उसके बाद स्लीप मॉनिटरिंग आएगा, उसके बाद BPM मॉनिटरिंग आएगा, उसके बाद SPO2 मॉनिटर आएगा और उसके बाद आएगा वेदर और फिर से आपका स्क्रीन में मिलेगा। तो इसका सेंसर हवा में काम करते हैं कि ना, ये एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो ये सेंसर हवा में काम नहीं करता, और एक बार देख लेते हैं। SPO2 भी हवा में काम नहीं करता। वेयर वॉच प्रॉपरली एंड ट्राई अगेन, रिमेजर का दिखा रहा है। अब देखते हैं ये सरफेस में रीडिंग लेता है कि नहीं। इसको हम लेते हैं, इसके ऊपर रखते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। सरफेस में भी ये रीडिंग नहीं ले रहा है, और एक बार टेबल पर रख के देख लेते हैं। इसमें भी ये नहीं दिखा रहा है। तो इसका जो सेंसर है वो बहुत ही बढ़िया सेंसर इन्होंने देके रखा है। तो आप चलिए इसका जो कॉल फंक्शन है वो कैसे काम करता है ये एक बार देख लेते हैं। तो कॉल करने के लिए पहले सर्च करना पड़ेगा, नॉइस बॉक्स में जाना पड़ेगा, और ये तीन ऑप्शन है, एक मैंने डायल करके आपको दिखाया। कैसे आवाज सुनाई दे रहा है? सब क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। तो आवाज में कोई गड़बड़ी नहीं है ना? ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब लोग सुन सकते हो, इसका कॉल क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, स्पीकर भी अच्छा है, और जो माइक देके रखा है वो भी बहुत अच्छे तरह से काम करता है। और इसमें AI वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर्स है, आप लोग देख ही सकते हो। AI वॉइस के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, ये वॉइस कंट्रोल, टॉक आफ्टर टैप। तो आप पहले आपको
इसके टैप करना ये पड़ेगा, बहुत ही अच्छे आप लोग देख इस। पहले आपको टैप करना पड़ेगा, उसके बाद आप बोल सकते हो। तो इसको टैप कर दिया, ओपन मैप। तो आप लोग देख ही सकते हो मेरा जो फ़ोन है उसमें मैप ओपन हो गया। तो इसका जो AI वॉइस का जो फीचर्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है, ठीक है। तो ये स्मार्ट वॉच बहुत ही अच्छे हैं और कॉल फंक्शन, AI वॉइस फंक्शन सभी बिल्कुल अच्छे तरह से वर्क इसमें कर रहा है। तो आप चलते हैं, इसका जो स्क्रीन है एंड सनलाइट में कैसे विजिबिलिटी है वो एक बार देख लेते हैं। इसका स्क्रीन अवेक जो फंक्शन है हैंड शेक करने से ठीक ठाक ही काम कर रहा है, और एक बार देख लीजिए। और इसका जो सनलाइट विजिबिलिटी है वो ठीक ठाक ही है। इसमें 260 mAh की बैटरी नॉइस ने दिया है जो 4-5 दिन आराम से बैकअप दे देंगी। और आप अगर कॉल ज़्यादा यूज़ करते हो तो इसमें 2-3 दिन आराम से बैकअप मिल सकता है। ये था नॉइस आइकन 2 का फुल रिव्यू। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है। तो इसमें एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ते हो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरा वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड वंदे मातरम।